भारत विज्ञान समिति, बाबा रामकरण दास ग्रामीण स्वास्थ्य समिति और महिला स्वास्थ्य अधिकार मंच के तत्वाधान में शुक्रवार को बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट सभागार में स्वास्थ्य व शिक्षा अधिकार अभियान के प्रतिबद्धता पत्र पर परिचर्चा व संगोष्ठी का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश 3% के कुल प्रजनन दर के साथ उच्च प्रजनन दर वाला राज्य है। प्रदेश में गर्भावस्था एवं प्रसव के संबंधित जटिलताओं के कारण 1,00,000 जीवित जन्मों में मातृ मृत्यु दर 258 है। आज बड़े स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं का बाजारीकरण हो रहा है। प्राइवेट चिकित्सा के बाजारीकरण से आज गिने चुने नैतिक चिकित्सा भी परेशान है। जिला स्तरीय परिचर्चा एवं गोष्ठी में सिविल कोर्ट दीवानी न्यायालय में अधिवक्ताओं ने संबंधित विषय पर अपने विचार रखे। इस दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता व सदर लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी मधुसूदन त्रिपाठी, अवधेश कुमार, एडवोकेट अनूप मिश्रा, सुभाल पाल, अजय तिवारी, शीला, प्रतिमा, प्रिया यादव सहित सैकड़ों की संख्या में अधिवक्तागण मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए अधिवक्ता कमल कुमार श्रीवास्तव ने कहा, पहली बार आप तमाम को चाहे माननीय बिहारी वाजपेयी हो, अमृता जी हो, आजाद के हवाले कर दिया गया। शिक्षा और स्वास्थ्य को दुष्टि क्या हो गया प्रदेश है वहां लागू हुआ और पूरे भारत के राज्यों में लागू होने की अपेक्षा की गई। पिछली सरकार क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट को लागू की और इस एक्ट के विरोध में डॉक्टरों का धरना प्रदर्शन प्रोटेस्ट अभी तक चल रहा है। हमारे अधिवक्ता बड़े भाई अग्रज अधिवक्ता मधुसूदन त्रिपाठी का स्वागत करता हूँ कि आप आए हैं और इसी तरह से हमारे अगर अधिवक्ता कार्यक्रम कर रहे हैं। ये है हमारा शिक्षा का अधिकार और स्वास्थ्य के अधिकार जो दो एक्ट बने हुए थे, राइट टू एजुकेशन एक्ट और क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। इन दोनों को लेकर के हम लोग आज एक यहाँ पे सेमिनार कर रहे हैं और ये अधिवक्ताओं के बीच में हम लोग इसलिए सेमिनार कर रहे हैं कि हमारी भूमिका इस कैंपस के बाहर इस एक्ट को इम्प्लीमेंट कराने में क्या रह सकती है।